सिंगरगढ़ में किला बनो, संग्राम साहे ने राज करो। क्या बात है, एक बार हाथ उठा करके बताएंगे, हो जाए हाथ उठा करके बताएंगे कौन कौन सिंगरगढ़ किला गया है। सभी मातृ शक्तियां, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन कौन गया सिंगरगढ़ किला। कोई नहीं गया है। अब जिसको नाचना है ना, जिसको नाचना है तो बड़ी अपने स्थान में खड़े होकर नाच लेंगे, वहीं पर इधर नहीं आएंगे। बताइए आप, दुनिया के तीरथ जाते हैं लेकिन हमारे जो राजा और महाराजाओं के किले महल है, जहाँ से हमने राज और शासन चलाया, उन गढ़ कोट को आप नहीं देख पाए है। तो चलिए गीत के माध्यम से शेयर कराते हैं। सिंगरगढ़ में किला बनो, संग्राम में साहे ने राज करो। जहाँ किला बनो या सोना चांदी के सिक्का चलो, सोना चांदी के सिक्का चलो।
चलो ठीक है, ये भी चालू है। कौन सा? यानी कि जो पांव पखरे का कार्यक्रम है। फिर भैया बेदा भी देना कि नहीं देना है? अरे भोजन भी खिलाना है बरातियों को, कभी ऐसे ही देंगे बेदा? तो भोजन भी बन गया होगा है, उसकी तैयारी भी करते जाए। बगैर खाए नहीं जाएंगे बरातिया लोग, यदि बगैर खाए जाएंगे ना तो फिर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो कोसते रहेंगे। फिर उनके बड़ी व्यवस्था तो पूरी हुई लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं हुई, खाने की पीने की। बारात में सब चलता है, खाना पीना है ना, ऐसा है।
तो भैया वो भी व्यवस्था करते जाएं, भोजन की तैयारी भी करते जाएं। और अब जो शंभू और मूला हैं वो बढ़िया होम धूप पारा करेंगे जोड़ी से, है ना, करेंगे ना, होता है हमारे में। हाँ तो वो भी तैयारी करते जाएं होम धूप पारा करने के लिए। लोबान का होम छोड़वाना वहां पर, बढ़िया पूरी तैयारी कर लें। भूमिका जी हमारे जितने भी हैं तो सब पूरी तैयारी में लग जाए भाई, क्योंकि अब होम धूप पारा अने हवन छोड़वाना है। जो शंभू और मूलादाई हैं यहाँ पर विराजमान हैं, वो यहीं से बैठे बैठे सबका चरित्र देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ और मूलादाई, ये सर्वप्रथम की जोड़ी है, सबसे पहले की जोड़ी है ये शंभू और मूला की। अब आगे क्या होता है, अब जिसने भी पांव पखार लिया तो ठीक, नहीं पखार रहा तो ठीक है, भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर दया दृष्टि रखते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ हैं, अने नाथों के नाथ हैं, वो सबके ऊपर दया दृष्टि रखते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। ऐसे हमारे शंभू बाबा हैं, शंभू जे उपाधि शब्द है, इनको पद दिया गया था, संयुगन पांच और भुवन धरती, पांचों खंड धरती के वे मालिक हैं, और उनके पांच में जो है भाजवा पेन यानी काला नांग लपेटे हुए रहते हैं भगवान भोलेनाथ, और एक हाथ में त्रिशूल और डमरू है। इसी डमरू से हमारा जो गोंडी स्वर निकला है ना,